वो जो इस तरीके की वीडियो जो लोग भी बनाते हैं तो उनको ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पे देखा है। जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी सारे ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो YouTube पे वर्क करना चाहते हैं या काफ़ी टाइम से YouTube पे वर्क कर रहे हैं, ठीक। या फिर कोई लोग जो होता है कि YouTube पे वर्क करना चाहते हैं और अपनी उनको कैटेगरी नहीं पता है, या फिर उनको यही नहीं पता है कि हम किस टॉपिक पे किस तरीके की वीडियो बनाएं, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने से पहले उनके मन में एक ख्याल फ्रेंड ज़रूर आता है, वो है फ्रेंड कि हमें जो है किस कैटेगरी में जो है आसानी ज़्यादा रहेगी और पैसा ज़्यादा बनेगा। जी हाँ फ्रेंड, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लोग इसके लिए जानने का बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि कौन सी कैटेगरी हम ब्लॉग बनाएं, टेक्निकल बनाएं, या फिर हम कोई गेमिंग वगैरह की वीडियो बनाएं, या रोस्टिंग वगैरह की, या कॉमेडी वगैरह की वीडियो बनाएं, ठीक है। तो ये डाउट आज आपका क्लियर इस वीडियो में कर दूंगा कि कौन सी कैटेगरी में जो है सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और कौन सी कैटेगरी में सबसे कम पैसा मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, तो फ्रेंड आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो फ्रेंड, इसमें काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि मेरा 1000 व्यूज़ पे $1 बन जाता है, या काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि 10,000 व्यूज आते हैं तब $1 बनता है, ठीक है। कोई बताता है कि $0.5 बनता है, 0.50, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके चैनल की कैटेगरी, कि आपने कौन सी अपने चैनल की जो है कैटेगरी चूज करके रखी है और किस टॉपिक पर किस तरीके की आपकी वीडियोज़ वगैरह आप बना रहे हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सबसे कम पैसा जो है उस कौन सी कैटेगरी में मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, तो सबसे कम पैसा जो हमारा मिलता है फ्रेंड, वो होता है कि जो बच्चों वाले छोटे छोटे जो खिलौने वाले वीडियो जो बच्चे बनाते हैं ना, जो आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों के वीडियो होते हैं, जिसमें आप देखेंगे वीडियो अपलोड करने में जहाँ पे आपको दिखाता है यस इट इज़ मेड फॉर किड्स, जहाँ पे बच्चों के लिए जो वीडियो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कम पैसा मिलता है। उसका फ्रेंड रीज़न यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि फ्रेंड देखिए, बच्चों वाले वीडियो पे जो ऐड आते हैं तो बच्चों को उन ऐड से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जो भी उनके वाले में ऐड आते हैं, नॉर्मल से कोई कार्टून के गेम वगैरह के आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, या फिर कोई ऐसे पढ़ाई वाले एप्लीकेशन के आते हैं, ठीक है, और नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो गेम के आते हैं, जो छोटे मोटे ही गेम होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड वही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो उनका जो है वो जो कंपनियां हैं फ्रेंड, वो क्या करती हैं अपनी एप्लीकेशन वगैरह प्रमोट करवाती हैं किसी भी गूगल एडवर्ड के द्वारा, जब अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करवाती हैं तो अगर उन्होंने यूट्यूब से करवाया तो वो यहाँ पर काफ़ी सारे उनको ऑप्शन मिलते हैं कि आप किन लोगों से किन कैटेगरी में इसको प्रमोट करवाना चाहते हैं। तो वहाँ पर कंपनियाँ जब सेलेक्ट करती हैं, अगर वो बच्चों के लिए, बच्चों से रिलेटेड है, मतलब बच्चों के खेलने के लिए गेम वगैरह रहा है, तो बच्चों से रिलेटेड, तो उसी हिसाब को उनको पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो वो जब पैसा पे करते हैं तो बच्चों से, देखिए बच्चों को कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है, तो उसमें जो है कंपनियों को कम खर्चा आता है और ज़्यादा व्यूज़ मिलता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा व्यूज़ मिलता है लेकिन पैसा कम बनता है, तो जो छोटे वाले जो बच्चों के लिए होता है तो सबसे ज़्यादा, सबसे जो कम पैसा उसमें बनता है, ठीक है। कॉमेडी भी हंसी मजाक का होता है तो उसमें भी फ्रेंड पैसा जो है कम बनता है। हमारा जो है सबसे ज़्यादा पैसा फ्रेंड बनता है जो इलेक्ट्रॉनिक टेक से रिलेटेड होता है। जी हाँ फ्रेंड, टेक से रिलेटेड मतलब जैसे कि आपने कोई फ़ोन वगैरह का रिव्यू किया, या कोई सॉफ्टवेयर है इस तरीके का कोई रिव्यू किया, या फिर आपने इस तरीके की वीडियोस आप बनाते हो जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की गैजेट वगैरह वगैरह के बारे में अपने वीडियो पे चैनल पे डालते हो, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट लोग होते हैं, वो लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कंपनियां एडवर्ड लगाती हैं गूगल एडवर्ड से, जो ऐड चलवाती हैं आपके वीडियोस पे, अगर आपने टेक की वीडियो अगर आप बनाते हो तो उसमें जो लोग देखते हैं तो उस पर जो ऐड आते हैं फ्रेंड, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे ऐड होते हैं। वो महंगे ऐड ऐसे हम कह सकते हैं कि फ्रेंड वो बिज़नेस रिलेटेड ऐड होते हैं, जैसे कि आप उसमें देखा होगा ऐप्स वगैरह के आते हैं जिसमें क्रिप्टो वगैरह हो गया, क्रिप्टो करेंसी आप जानते होंगे, ठीक है, शेयर मार्केट की एप्लीकेशंस आती है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में बताते हैं। तो ये कंपनियां जो है ये काफ़ी अपर लेवल की एक चीज़ हो जाती है, जो कि जिसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये गूगल एडवर्ड में ज़्यादा पैसा देते हैं ये लोग, ठीक है, ज़्यादा पैसा, बहुत सारा पैसा देते हैं, तब ये उसका जो है ऐड आपके जो है टेक वाले पे जाता है। वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि नहीं मुझे, देखिए टेक्नोलॉजी में क्या है कि ज़्यादा लोग जो है मतलब अगर टेक्नोलॉजी की चीज़ें गैजेट वगैरह के बारे में देखते हैं, फ़ोन वगैरह के बारे में देखते हैं, तो उन लोगों को फ्रेंड क्या होता है, उन लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पैसा लगाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे इस तरीके की एप्लीकेशन का ज़्यादा आता है, ठीक है। तो वो जो इस तरीके की वीडियो जो लोग भी बनाते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो उन लोगों को ज़्यादा पैसा बनता है। तो साधारण सा आप ये कह सकते हैं जिसमें ऐड, जिस तरीके का ऐड आता है वैसा पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकल जितने भी चैनल्स आपने बना लीजिए, जैसे कि आप ले सकते हैं टेक्निकल गुरुजी भी बनाते हैं, फ़ोन्स वगैरह का रिव्यू करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो फ़ोन वगैरह का रिव्यू करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जो बच्चों वगैरह के होते हैं ऐसे, जो कि खेल वगैरह की वीडियो बनाते हैं छोटे छोटे, वो नॉर्मल होते हैं।
तो फ्रेंड मेरे इस बात से शायद आपको पूरी जानकारी जरूर मिल गई होगी, आपके क्वेश्चन डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, कौन सी कैटेगरी में कैसा पैसा मिलता है यूट्यूब पे। ठीक है फ्रेंड, तो आप भी अब अपना यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो आने वाली न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जय हिंद।